welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. And if you're new here, my name is Sanjana and you are watching the Glam Up Studio. So today's video is going to be a glamorous half cut crease makeup. So आप लोग देख ही सकते होंगे कि मैंने अपने eyes पर कितना glamorous सा, bold सा और attractive सा makeup किया हुआ है. तो आज पूरा step by step मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ये half cut crease makeup कैसे किया. और आज आप लोगों को मेरा hair भी बहुत ज़्यादा messy लग रहा होगा क्योंकि आज मैंने अपने hair पे comb भी नहीं किया हुआ है. Because ये जो makeup look है, it's not about face makeup, it's not about hairstyle, it's all about eye makeup. और आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये मेकअप जो है कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. आई मीन आई मेकअप जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. और इसे आप किसी भी पार्टी में आप इसे आराम से इसे क्रिएट करके जा सकती हैं. सो आज मैं आप लोगों को इसी आई मेकअप का स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि मैंने ये आई मेकअप जो है वो कैसे क्रिएट किया है. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. और जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि मेरे राइट आई पर आई मेकअप पहले से ही कंप्लीट हो चुका है. और मैं आप लोगों को लेफ्ट आई पर आई मेकअप दिखाऊंगी. और उसके लिए मुझे कंसीलर चाहिए. और कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. और मैं अपने आईज़ के नीचे स्टिकी टेप अप्लाई कर लूँगी ताकि जो भी बिगनर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. मैं अपने कंसीलर को एक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्मर्ज कर लूँगी. और नीचे मैंने टेप इसलिए लगा लिया है ताकि जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए ये आई मेकअप क्रिएट करना. आप किसी भी कंसीलर या फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें. और मैं भी यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ कर रही हूँ. अब मैं यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश लूँगी और एक बनाना शेड के पाउडर को अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा कंसीलर जो है वो क्रीज ना हो सके, पूरे अच्छी तरह से सेट हो जाए. नेक्स्ट आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी इलेक्ट्रिक ऑब्जेशन पैलेट लूँगी और उसमें से ये डार्क पिंक कलर पिक करूँगी अपने आईलिड पर अप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने पूरे आईलिड और क्रीज एरिया पर अच्छे से ये कलर अप्लाई कर लूँगी. और इस ब्रश को राउंड राउंड घुमाते हुए मैं अपने पूरे आईलिड एरिया पर इस कलर को अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. इस आई मेकअप को आप किसी भी शादी या पार्टी में आराम से क्रिएट करके जा सकती हैं. ये हुडेड आईज हो या नॉर्मल आईज हो, ये दोनों आईज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा. और क्योंकि ये सिर्फ एक आई मेकअप वीडियो है इसलिए मैंने अपने फेस पर कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है. बस मॉइस्चराइज़र लगाया है और थोड़ी सी लिपस्टिक पहनी है और सिर्फ आई मेकअप अप्लाई कर रही हूँ. और मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए हुए हैं इसके लिए आई एम रियली सॉरी. ये आई मेकअप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. जो भी आई मेकअप सीखना चाहती हैं, जो भी बहुत ज़्यादा बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो. और उसके बाद देख सकते हैं कि मैं सेम ब्रश की हेल्प से अपने ट्रांजिशन एरिया पर हल्का हल्का स्मच कर ले रही हूँ. और अब मैं क्राइलॉन के बेस पैलेट से एक सिंगल रिफिल ले लूँगी और इसका शेड है NS29. और इसे अपने आईज़ के कटिंग के लिए एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी एक एंगल्ड ब्रश की हेल्प से. और अब मैं इसे बहुत ही केयरफुली अपने इनर कॉर्नर से होते हुए क्रीज लाइन के थोड़ा सा नीचे से लेकर अपने हाफ आईलिड एरिया को कट करूँगी. बहुत ही केयरफुली करना है अगर आप बिगनर हैं तो. एंड एज अ बिगनर आपने पहले एक आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद इस कंसीलर को हल्का हल्का उसके अंदर फिल कर लेना है. इससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा. और आपने कंसीलर को बहुत ही लाइटली यूज़ करना है. लाइक आपने बहुत ज़्यादा बिल्डेबल नहीं बनाना है. आप एक बार में ही जितना पिक करेंगी आपने उसमें ही पूरा क्रीज लाइन जो है वो कट कर लेना है. क्योंकि अगर हम कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बहुत हैवी कंसीलर ले लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा बिल्डेबल कर लेंगे तो उसके ऊपर जब हम नेक्स्ट शेड अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा चौकी हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. और नेक्स्ट हम सेम शेड की हेल्प से अपने आउटर एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले नीचे स्टिकी टेप अप्लाई कर लें, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आपके लिए. उसके बाद मैं यहाँ पे लूज ग्लिटर अप्लाई करूँगी अपने कट एरिया पर. और इसे अप्लाई करने के लिए मैं एक स्मॉल कंसीलर ब्रश लूँगी और थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लूँगी ताकि वो ग्लिटर जो है अच्छे से हमारे आईज पर स्टिक हो सके. और एलोवेरा जेल को पहले हमें हल्का सा अपने ब्रश पर लगाना है, उसके बाद हमें ग्लिटर पिक करना है और उसके बाद हम अपने आईज पर अप्लाई करना है उस ग्लिटर को. और ग्लिटर अप्लाई करते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखें, हमने जो अपने आईज पर कट एरिया बनाई है आप हमेशा उसके अंडर ही इस ग्लिटर को अप्लाई करें, उससे बाहर बिल्कुल भी ना जाए. बहुत ही केयरफुली इस ग्लिटर को अप्लाई करें.
और ग्लिटर को हमने थोड़ा थोड़ा करके पिक करना है, उसके बाद फिर अपने कटिंग एरिया पर अप्लाई करना है। हमें एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अपने ब्रश में। और अब हम सेम पैलेट से सेम पिंक कलर को पिक करेंगे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और हमें इसे अपने बॉटम लैश लाइन पर हल्का हल्का करके और पूरा अप्लाई कर लेना है। और अगर आपकी आईज़ हुडेड नहीं है, अगर आपकी आईज़ नॉर्मल है, तो आप इस आई मेकअप के साथ हल्का सा आईलाइनर भी लगा सकती हैं, बट मेरी आईज़ हुडेड है इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी आईलाइनर यूज़ नहीं किया है। अगर आपकी आईज़ मेरी ही तरह हुडेड है तो आपने आईलाइनर भूलकर भी यूज़ नहीं करना है इस मेकअप लुक के साथ, वरना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिखेगा। और हुडेड आईज़ जिनकी होती हैं उन्हें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आईज़ बहुत ही गंदा दिखता है। और क्योंकि हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो हम नीचे से स्टिकी स्टेप को जो है हम रिमूव कर लेंगे, और उसके बाद नीचे जो थोड़े बहुत ग्लिटर्स गिरे हुए हैं उसे हम सेम स्टिकी टेप की हेल्प से टैप टैप करके निकाल लेंगे। इसमें जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है निकालना, वरना वो बिल्कुल चिपक जाता है आपके स्किन पर सारे ग्लिटर्स। और इस आई मेकअप के लिए मैं बहुत ही नेचुरल क्रिस क्रॉस आई लैशेस यूज़ करूँगी अपने आईज़ पर। इस आई लैशेस को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर सुरुचि बिंदी गम यूज़ कर रही हूँ। इस गम को मैं पहले अपने हैंड पर थोड़ा सा निकाल लूँगी, उसके बाद अपने आईलैशेस पर अप्लाई करूँगी। आप किसी भी गम को डायरेक्ट आईलैशेस पर अप्लाई ना करें। और मैंने अपने आईलैशेस को ऑफ कैमरा फिक्स कर लिया है अपने आईज़ के ऊपर, और उसके बाद मैं एक वाइट आई पेंसिल को लेकर अपने बॉटम लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं अपने बॉटम लैशेस पर मस्कारा अप्लाई करूँगी, और मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पर ओरिफ्लेम का द वन अल्ट्रा वॉल्यूम मस्कारा यूज़ किया है। आप अपने बॉटम लैश पर अच्छे से मस्कारा यूज़ कर लें। और ये मस्कारा जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, वॉशेबल है। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पर मिस क्लेयर का डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल ले लूँगी, और इसे मैं पहले अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी, उसके बाद हल्का हल्का अपने आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रोज़ नहीं क्रिएट करना है, बस नेचुरल रखना है मुझे अपने आईब्रोज़ को। अपने आईब्रोज़ को मैं बस वहाँ पर ज़्यादा करके फिल करूँगी जहाँ से मेरे आईब्रोज़ फॉल हो चुके हैं। इस आई मेकअप को आप किसी भी साड़ी, लहंगे या वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी क्रिएट कर सकती हैं। अपने आईज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, और हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है, और इसे मैं सिर्फ अपने ब्रॉ बोन और इनर कॉर्नर पे ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने अपने आईज़ पर जो है पहले से ग्लिटर अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मैं अगर हर जगह हाइलाइटर ही यूज़ करूँगी तो आई शेडो बहुत ज़्यादा ब्लिंगी हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस आई मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने बस एक शेड ही यूज़ किया है, वो है पिंक कलर, और एक ग्लिटर यूज़ किया है इस आई मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। तो अब हमारा हाफ कट क्रिस आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। और ये आई मेकअप जो है वो बहुत ही फंकी, बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही प्लेफुल पिंक काइंड ऑफ आई मेकअप लुक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ग्लैमरस हाफ कट क्रीज आई मेकअप पसंद आया हो तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मोबाइल पर मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड अगर आप लोगों को मेरे इस आई मेकअप में कोई भी गलती दिखे तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकती हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो इसी पॉइंट में मैं करती हूँ अपने वीडियो का दी एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।